इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया एक्सपेरिमेंट लेके आई हूँ और ये डबल साइडेड पीसीबी यूज करके बनाई है। उसका नाम है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूजिंग आर्डुअर लैडर। ये वीडियो में कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड डेमो दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। मैं हूँ योगिता, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDCY। हमारे कंपनी में डबल साइडेड पीसीबी यूज करके एक्सपेरिमेंटल बोर्ड्स मैन्युफैक्चर किया जाते हैं। ये बोर्ड्स डेमो वीडियो लिंक एंड एक्सपेरिमेंट का चार्ट के साथ सेल भी किया जाते हैं। अगर आपने यूट्यूब सर्च पर हमारा चैनल नेम परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा लिखा और कौन सा ही भी एक वीडियो देखते समय हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, बेल बटन प्रेस किया, तो हमारे सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का डेमो। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, ताकि हमारा अगला नया वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का डेमो। ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूजिंग आर्डुअर लैडर की सर्किट डायग्राम है। इसमें ओपन IC741 यूज किया है। पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 4 के अक्रॉस +12 वोल्ट -12 वोल्ट ड्यूअल सप्लाई दिया है। पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया है। पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग टर्मिनल में रेजिस्टिव नेटवर्क एंड 4 एस्पिरिटी स्विच दिया है। एस्पिरिटी का मतलब सिंगल पोल डबल थ्रो। ये 4 एस्पिरिटी स्विच यूज करके +5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट हमको इनपुट के लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आपको तो वेटेज का फॉर्मूला मालूम है। वेटेज इज इक्वल टू 2^n, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स, स्विच LSB है। LSB का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड टी स्विच MSB है। MSB का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो फ्रेंड्स, ए का वेटेज 1 हुआ, बी का वेटेज 2 हुआ, सी का वेटेज 4 हुआ एंड डी का वेटेज 8 हुआ। पिन नंबर 6 आउटपुट पिन है। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर 10 के यूज किया है। इसके एक्सट्रीम टर्मिनल्स पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 5 को दिया है और सेंटर टैप पिन नंबर 4 को दिया है। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन। तो अभी हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूजिंग आर्डुअर लैडर का वर्किंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने +12 वोल्ट -12 वोल्ट ड्यूअल सप्लाई यूज किया है। तो सबसे पहले हमको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज नल करना है, इसका मतलब जीरो करना है। तो कैसे करना है, इसके लिए इन्वर्टिंग टर्मिनल हमको ग्राउंड करना है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पहले से ही ग्राउंड किया है। पोटेंशियोमीटर का नॉब एडजस्ट करके आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जीरो करना है, मतलब नल करना है। तो यहाँ पे ABCD ये इनपुट स्विचेस है। ए LSB स्विच है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और डी इनपुट MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इनिशियली हमको चारों एस्पिरिटी स्विच जीरो पर रखना है, मतलब इनपुट में 0 0 0 0 हुआ, उस समय हमको आउटपुट में 0 वोल्ट मिलता है। जब हम इस स्विच को बाइनरी 1 दिया और बाकी तीनों स्विच BCD उससे हमने 0 दिया तो इनपुट में 0 0 0 1 हुआ और उस समय हमको आउटपुट वोल्टेज -0.321 मिलता है। जब हम इनपुट वोल्टेज 2 दे दिया उस समय इनपुट में 0 0 1 0 हुआ तो आउटपुट वोल्टेज हमको कितना मिलता है, 0.625। अगर हमने इनपुट कॉम्बिनेशन में ए का स्विच ऊपर रखा, इसका मतलब बाइनरी 1 दिया, बी का स्विच ऊपर रखा, इसका मतलब बाइनरी 1 दिया, मीन्स 3 दिया, तो इनपुट में
0011 हुआ तो आउटपुट में हमको -0.93 मिलता है। ऐसे ही हमको इनपुट वोल्टेज देना है और आउटपुट वोल्टेज वेरीफाई करना है। ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूजिंग आर टू आर लैडर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब इसमें पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ओप एम आई सी 741 यूज किया है। ये 10 के पोटेंशियोमीटर है। ये पुश टू ऑन स्विच है और यहाँ पे हमने आउटपुट कनेक्ट किया है डिजिटल वोल्टमीटर है। ए बी सी डी ए फोर एस पी डी टी स्विचेस है बी सी डी इनपुट देने के लिए। ये स्विच एल एस बी है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। डी स्विच एम एस बी है, एम एस बी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ए का वेटेज 1 है, बी का वेटेज 2 है, सी का वेटेज 4 है एंड डी का वेटेज 8 है। ये रेजिस्टिव नेटवर्क है। यहाँ पे ड्यूअल सप्लाई प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट आई सी को दिया है। इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और यहाँ पे 5 होल्ड का जीना डायोड दिया है और ओ 5 होल्ड इनपुट स्विचेस के लिए यूज किया है। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन। अभी हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूजिंग आर टू आर लैडर का वर्किंग देखेंगे। तो पहले हम ड्यूअल सप्लाई 12 होल्ड अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ से सप्लाई शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हमको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज नल करना है, मतलब जीरो करना है। तो पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पहले से ग्राउंड किया है और ये पुश टू ऑन स्विच यूज करके पिन नंबर 2 मैं अभी ग्राउंड करती हूँ। ये पुश टू ऑन स्विच यूज करके पोटेंशियोमीटर का नॉब रोटेट करके ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज नल करती हूँ। देखो यहाँ पे 0.02 वोल्ट आया है, 0.01 वोल्ट आया है। तो देखो आपको आउटपुट वोल्टेज जीरो मिला है, मतलब ये नल हुआ है। तो आगे हम एस पी डी टी स्विच यूज करके अलग अलग इनपुट देंगे। तो ये 4 एस पी डी टी स्विच है, ए बी सी एंड डी। तो ए स्विच है वो एल एस बी है, डी स्विच है वो एम एस बी है। ए स्विच एल एस बी, एल एस बी का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और डी स्विच एम एस बी, एम एस बी का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ए का वेटेज 1 है, बी का वेटेज 2 है, सी का वेटेज 4 है एंड डी का वेटेज 8 है। अभी हम पहला रीडिंग देंगे 0000। उस समय एस पी डी टी स्विच, हम इस स्विच का लीवर हमने नीचे रखा है तो बाइनरी 0 दिया है। उस समय हमको आउटपुट वोल्टेज 0 है। नेक्स्ट हम डेसिमल 1 देंगे, उस समय 0001। तो एक स्विच हम ऊपर रखते हैं, इसका मतलब बाइनरी 1 दिया है। तो 0001 हुआ। उस समय हमको प्रैक्टिकली वैल्यू -0.34 मिलती है और कैलकुलेटेड वैल्यू थियोरेटिकली 0.312 मिलती है। इसका मतलब नियरली इक्वल मिलती है। नेक्स्ट रीडिंग हम डेसिमल 2 देंगे, इसका मतलब हम बी स्विच का लीवर ऊपर रखा है, मतलब बाइनरी 1 दिया है। तो इनपुट 0010 हुआ। तो आउटपुट में देखो -0.9 मिलती है, 9 होल्ट मिलता है और थेरोटिकली कैलकुलेट किया तो -0.6 मिलता है। तो नियरली इक्वल मिलता है। नेक्स्ट हम इनपुट में डेसिमल 3 दिया तो इनपुट रीडिंग 0011 हुआ। उस समय आउटपुट में देखो कितना होल्ट मिलता है, -1.15 और थेरोटिकली -0.93 होल्ट मिलता है। इसका मतलब नियरली इक्वल मिलता है। नेक्स्ट हम डेसिमल 4 दिया तो इनपुट रीडिंग 0100 हुआ। तो आउटपुट में देखो और थियोरेटिकल वैल्यू -1.2 मिलता है। इसका मतलब नियरली इक्वल आता है। नेक्स्ट हम डेसिमल 5 देंगे तो इनपुट में देखो 0101 हुआ।
तो प्रैक्टिकली वैल्यू हमको -1.5 मिलती है और थेरोटिकली भी -1.5 मिलती है, इसका मतलब एग्जैक्टली इक्वल मिलती है। तो ऐसे अलग अलग इनपुट हमको आपको देना है, तो लास्ट वैल्यू हम 1111 देंगे, मतलब ये स्पीडिटी स्विच सभी स्पीडिटी स्विच हम ऊपर रखते हैं और इसका मतलब बाइनरी 1 दिया है। तो इनपुट 111 हुआ और आउटपुट में देखो, और थेरोटिकली भी -4.68 मिलती है, तो नियरली इक्वल आती है। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट का वर्किंग। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे डॉक्टर आरवी ढेके सर का टेक्निकल गाइडेंस मिला। और एक बात, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कुछ क्वीरीज है, सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रॅक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक, बीई, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी झालेल्यांसाठी उपयुक्त। या ट्रेनिंग मध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं। ट्रेनिंग साठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एमआयडीसी वाई, मोबाईल 98 222 41 255। लेक्चर संपल्याची बेल अगदी वेळेत झाली ही किमया आहे परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ऑटो लेक्चर बेलची। एवढंच नाही तर आता परफेक्टच्या ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअरवर तुम्हाला हव्या असलेल्या वेळेवर दररोज स्वयंचलितपणे राष्ट्रगीत वाजवा। शाळा कॉलेज साठी उपयुक्त संपूर्ण ऑटोमॅटिक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सचे ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअर। फ्री डेमो आणि इन्स्टॉलेशन साठी संपर्क परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एमआयडीसी वाई, मोबाईल 98 222 41 255।